बिस्मिल्लाहिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पे आप लोगों ने लास्ट टाइम टॉपिक छोड़े थे ड्यूलिटी ड्यूलिटी के एग्जांपल्स हमें कुछ करने लास्ट टाइम आपने जो टॉपिक ड्यूलिटी पढ़ा था उसके कुछ स्टेप्स थे उससे पहले आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि आप कन्वर्ट कैसे करते हैं दिस वाज द प्राइमल इफ दिस इज द प्राइमल जिसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है प्रॉफिट कॉन्स्टेंट है कैपेसिटी आप जो ड्यूल बनाएंगे उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा कास्ट ऑफ कैपेसिटी कॉन्स्टेंट हो जाएंगे प्रोडक्शन में ठीक है इससे रिलेटेड आप लोगों ने ये एग्जाम्पल किया था मग और प्लेट्स वाला ठीक है जिसका प्राइमल मॉडल आपने ये बनाया था और ड्यूल मॉडल आपने ये बनाया था ठीक है दिस वॉज द ड्यूल और आप लोगों ने उसको कन्वर्ट करके बताया था कुछ कन्वर्ट के स्टेप्स थे उन स्टेप्स को दोबारा कर लेते एक बार सबसे पहले आप क्या करते हैं अगर मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है ठीक है कहाँ पर प्राइमल में तो वो मिनिमाइजेशन हो जाता है ड्यूल में ठीक है एंड वाइस वर्सा अगर मिनिमाइजेशन का है तो वो मैक्सिमाइजेशन का हो जाएगा वो लेस देन इक्वल होते हैं, वो होते हैं ठीक है अगर नहीं है तो आप उसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं While the constant, ठीक है? अगर आपके पास प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है तो आप मिनिमाइजेशन में करेंगे अगर मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है उसके कांस्टेंट लेस देन इक्वल टू होते हैं और आप मिनिमाइजेशन का बना रहे हैं तो क्या करेंगे ग्रेटर देन इक्वल ठीक है नंबर थर्ड इफ द प्राइमल कंटेंट्स एम कांस्टेंट एंड एन वेरिएबल अगर आपके पास जो प्राइमल प्रॉब्लम है उसमें कितने कांस्टेंट है एम तीन भी हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं और वेरिएबल कितने एन वो भी तीन भी हो सकते हैं चार भी तो क्या हो जाएगा देन ड्यूल विल कंटेन एन एम वेरिएबल्स कहने का मकसद यह है, अगर प्राइमरी प्रॉब्लम में चार है और तीन वेरिएबल हैं ठीक है थीके? तो ड्यूल में क्या हो जाएगा चार वेरिएबल हो जाएंगे तीन कॉन्स्टेंट हो जाएंगे दिस इज हाउ यू विल अचीव अदर दरिकुलर कॉन्स्टेंट को आप ऐसे कन्वर्ट करेंगे और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी और हम क्या करते हैं हम कहते हैं सिंपली इफ यू ट्रांसफोर्स द बॉडी ऑफ द मैट्रिक्स यू विल ऑब्टेन द ड्यूल फ्रॉम प्राइमल देन से फॉर द कांस्टेंट c1 अप टू cn एंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द प्राइमल अपीयर इन द राइट हैंड साइड्स ऑफ द कांस्टेंट ऑफ द ड्यूल कहता है जो आपके कांस्टेंट हैं c1 c2 अप टू cn एंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द प्राइमल जैसे कांस्टेंट का मकसद है अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है देखिए ये इसके ये कांस्टेंट है ना सिक्स कांस्टेंट नहीं कांस्टेंट ठीक है सिक्स सेवन एट ये क्या हो जाएंगे कांस्टेंट बन जाएंगे कांस्टेंट की कौन सी साइड राइट हैंड साइड दैट इज हैज रिटन हेयर देखिए ठीक है क्या कहा है इन द राइट हैंड साइड ठीक है द कॉन्स्टेंट्स Constants. Constants इसमें कौन से कॉन्स्टेंट है ये वाले राइट वाले जिसमें वेरिएबल नहीं है ठीक है ये आपके जो कॉन्स्टेंट की राइट एंड साइड है वो ड्यूल की जगह चली जाएगी सॉरी ड्यूल में वो क्या हो जाएगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कॉन्स्टेंट बन जाएंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कॉन्स्टेंट है वो ड्यूल में प्राइमल ड्यूल uh, में क्या हो जाएंगे कॉन्स्टेंट की राइट हैंड साइड पे जाएंगे और जो आपके पास प्राइमल में राइट हैंड साइड है की, वो ड्यूल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कॉफिशेंट बन जाते हैं जिन्हें कॉन्स्टेंट कहते हैं बहुत द प्राइमल एंड आर नॉन नेगेटिव आपकी रिस्ट्रिक्टिविटी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और दोनों क्या हो जाएंगे नॉन नेगेटिव कुछ एग्जाम्पल्स हमने किए थे ये एग्जाम्पल नंबर वन किया था थोरेटिकल uh, आप लोगों ने भी पढ़ा टू भी किया था जिसमें आपने कहा था सम टाइम ऐसा भी कॉन्स्टेंट होता है जिसमें इक्वल होता है तो आप उसे लेस में और ग्रेटर में कन्वर्ट करते हैं मैक्सिमाइजेशन का है तो ग्रेटर वाले को माइनस से मल्टीप्लाई करके लेस कर देते हैं ठीक है ये चीजें आपको वेरियंट्स में भी हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं इसका ड्यूल बनाना था डायरेक्ट बना हुआ है और आपने क्या किया जो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइज है उसको आपने क्या कर दिया मिनिमाइज ठीक है यही तो कह रहा था कितने वेरिएबल है यहाँ पे दो कितने कॉन्स्टेंट है दो ठीक है तो ये तो सेम है दो कॉन्स्टेंट दो वेरिएबल बनेंगे दो वेरिएबल दो कॉन्सटेंट बनेंगे बात तो वही है इक्वल है ना दोनों ठीक है फिर हम क्या करते हैं यहाँ जो राइट हैंड साइड आती है वो यहाँ पे कॉफिशेंट बन जाती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखें और आपको पता है कि अगर लेस देन की साइन है मैक्सिमाइजेशन में मिनिमाइजेशन में क्या हो जाती है ग्रेटर और जो आपके पास कांस्टेंट है उसको आप ट्रांसफ ट्रांसफोर्स करके लिखते हैं माइनस एक्स वन की जगह आएगा माइनस वाई वन थ्री वाई टू ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इज योर राइट हैंड साइड माइनस सिक्स टू वायन फोर वाई टू ग्रेटर ग्रेटर टू सेवन एंड दिस इज योर नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन ठीक है सारे स्टेप्स हमने फॉलो करके हमने ड्यूल प्रॉब्लम बनाया ड्यूअल प्रॉब्लम क्यों बनाते हैं जब प्राइमल में आपके पास कॉन्स्टेंट ज्यादा हो तो आप कन्वर्ट करके क्या करते हैं और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल कम हो तो आप ड्यूल बनाते हैं फिर हल करते हैं ठीक है दिस इज योर मेन ऑब्जेक्टिव समटाइम्स क्योंकि सोल्यूशन पॉसिबल भी नहीं होता है समटाइम्स तो ड्यूल करके आप सोल्यूशन निकाल लेते हैं एक और एग्जाम्पल था जो आप लोगों ने ये किया था सॉरी ये हमें करना है ठीक है द ड्यूल टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम इसका ड्यूल लिखें सॉल्व द ड्यूल फिर उस ड्यूल को हल करें

ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज का है आपका जो मिनिमाइज का है ठीक है यहाँ पे मैक्सिमाइज आएगा ठीक है यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है इसको करेक्ट कर लीजिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज का है सब्जेक्ट टू द कंडीशन ग्रेटर देन है तो आप क्या करते हैं आप करते हैं कि भाई मिनिमाइजेशन का है तो उसे मैक्सिमाइजेशन कर दें इससे आप क्या करेंगे मैक्सिमाइजेशन ओके okay. फिर आप क्या कहते हैं कि आपके जो कांस्टेंट है ठीक है मिनिमाइजेशन में उनकी साइन क्या होती है ग्रेटर होती है अगर मैक्शन में क्या हो जाएगी लेस तो देखें हम लेस पे जा रहे हैं ठीक है फिर तो हम कहते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल जितने होते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में और जितने कॉन्स्टेंट होते हैं ये दोनों रिवर्स हो जाते हैं तो तीन कॉन्स्टेंट हो जाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तीन आपके पास वेरिएबल हैं नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने दो हैं तो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दो वेरिएबल बन जाएंगे ठीक है और हम क्या करते हैं फिर उसके कोफिशिएंट जो होते हैं ऑब्जेक्टिव के राइट right से लिखते हैं और ये राइट right पे जो कांस्टेंट के ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चले जाते हैं देखें मैक्सिमाइजेशन जेड दिस 2y1 5y2 देन सब्जेक्ट टू y1 इसमें नहीं है y1 लेस दे टू फोर देखें देन इसमें वाई टू नहीं है सॉरी वाई वन नहीं है इसमें ठीक है ना देन यूट वाई टू लेस देन इक्वल टू थ्री एक्स थ्री विल बीटेड क्या हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू लेस इक्वल टू सिक्स ठीक है क्या लिखते हैं ये वाला क्योंकि आपको पता है ना ये ये जो इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कांस्टेंट है यहाँ पे आ जाते हैं और राइट हैंड साइड जो कांस्टेंट की होती है ऑब्जेक्टिव में चली जाती है तो हमने क्या किया वाई वन लेस देन इक्वल टू फोर ठीक है वाई टू लेस देन इक्वल टू थ्री वाई वन प्लस वाई टू लेस देन इक्वल टू सिक्स ड्यूल बना लिया इट इजीयर टू टेडियस कैलकुलेश आप नोट करें समटाइम्स ऐसे भी होता है कि जो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसमें कॉन्स्टेंट आपके क्या होते हैं ग्रेटर होते हैं फिर आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करना होता है फिर आप क्या करते हैं उसमें फंस जाते हैं फिर आप कहते हैं पेनल्टी दें टू फेस पे जाएं। तो हम कह रहे हैं हम उन पे नहीं जा रहे हैं हम ड्यूल बना के उसको कर लेते हैं क्योंकि देखें ये मिनिमाइजेशन का था और ये ग्रेटर के थे तो हमने क्या करा इसको मैक्सिमाइज कर दिया इनको लेस कर दिया आप सिंपलेक्स लगा लें सिंप्लेक्स इसी पे लगता है ना अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिम है दे यहाँ पे मिस्टेक है ये मैक्सिम है और आपके कांस्टेंट कौन से हैं लेस हो तो यू कैन अप्लाई सिंप्लेक्स इस पे आप सिंप्लेक्स नहीं अप्लाई कर सकते थे इस पे आप आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक एंड टू फेज लगा सकते थे ठीक है देन व्हाट विल यू डू नाउ योर कांस्टेंट आर ऑफ द टाइप लेस देन इक्वल यू विल अप्लाई You will introduce like variable, देखें। आप वही करते हैं क्या करते हैं जेड ये प्लस का माइनस का है, ये प्लस माइनस का, का देखें प्लस एस वन इक्वल टू फोर देखे दिस विल बी वाई वन सॉरी वाई टू प्लस एस टू इक्वल टू थ्री ओके वाई वन प्लस वाई टू प्लस एस थ्री इक्वल टू सिक्स ओके नाउ आप क्या करते हैं चेक करते हैं सॉल्यूशन फिजिबल है सारे पॉजिटिव हैं एस वन एस टू एस थ्री यू कैन से दैट सॉल्यूशन इज फिजिबल एंड यू विल नाउ ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन इनटू द इनिशियल टेबल स्टार्टिंग टेबल equation 0 1 2 3 basic variable s1 s2 s3 and here you will write coefficient right hand side and ratio what is the coefficient of z1 what is the coefficient of y1 minus 2 what is the coefficient of y2 minus 5 s s1 bhi nahi hai. s2 bhi nahi hai, s3 bhi nahi hai right side bhi 0. so you have written here 0 0 0 0 क्वेशन जेड का वन सिंपल लॉजिक क्या राइट पे फोर हो फोर है और आप वाई वन और एस वन का देखें सारे जीरो वाई टू का वन एस टू का वन राइट पे थ्री देखें थ्री एस टू का वन वाई टू का वन बाकी सारे जीरो इसमें देखें वाई वन का वन वाई टू का वन एस थ्री का वन 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 राइट पे सिक्स बाकी सारे जीरो

क्या करते हैं दिस इज इसके नीचे और ऊपर आपको क्या करना है जीरो 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 ये जीरो है और एस टू की जगह क्या आएगा वाई टू ये रो भी सेम होगी ये दोनों रो देखें सेम होगी सिर्फ यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे वाई टू का देखें ठीक है और बाकी सारी सेम होगी और हमें क्या करना है इसको जीरो करना है इसको करना यू विल अप्लाई रो ऑपरेशंस

वाई टू भी जीरो है एस वन भी जीरो है सो so ये इसके पास अल्टरनेट सोल्यूशन नहीं है इसके पास एक ही सोल्यूशन है यू कैन सी फ्यूराम इनके कोफिशंट क्या होते हैं जेड इक्वेशन में जीरो होते हैं देखें एयर एस वन इज यूर वन वाई टू इज यूर थ्री वाई वन इज यूर थ्री एंड यूर जेड इज ट्वेंटी एल्स एस टू एंड एस थ्री आज जीरो

ठीक है क्या कह रहा है जो ऑप्टीमल टेबल है उसमें चेक करें दिस इज योर ऑप्टीमल टेबल ठीक है देखें एक चीज में आप लोगों को दोबारा से बताऊं एक होता है ऑप्टीमल एक होता है इनफिजिबल इन सिंप्लेक्स मेथड यू स्टार्ट द टेबल फ्रॉम फिजिबल ठीक है क्या होता है सॉल्यूशन आपका फिजिबल है क्योंकि ये सारे क्या है पॉजिटिव है जब ये पॉजिटिव है फिजिबल है लेकिन ऑप्टिमल नहीं है ऑप्टिमल इसलिए नहीं है ऑब्जेक्टिव रो में नेगेटिव नंबर आ रहा है ठीक है सिंप्लेक्स क्या होता है आपके पास नॉन ऑप्टिमल होता है फिजिबल तो होता है लेकिन नॉन ऑप्टिमल होता है तो आप क्या करते हैं सिंप्लेक्स में ऑप्टिमलिटी की तरफ जाते हैं यूर एम टू ऑप्टेन ऑप्टिमल सोल्यूशन और ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है देखें ठीक है और यही तो बात कर रहा है कि ऑप्टिमल टेबल में जो आपके कोफिशंट है एस वन एस टू एस थ्री के जो स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में यही है ना वो कह रहा है स्टार्टिंग टेबल में आप देखें बेसिक वेरिएबल के कोफिशंट सॉरी बेसिक वेरिएबल कौन से हैं नहीं बेसिक वेरिएबल ये हैं और कह रहा है इनकी वैल्यू देखें जो ऑप्टिमल टेबल है आप वेरिएबल कहां से उठाएंगे यहां से स्टार्टिंग से वैल्यू कहाँ से देखेंगे ऑप्टिमल से ठीक है देखें s1 का कोफिशेंट जीरो s2 का थ्री s3 का टू यही तो लिखा है हमने देखें रेस्पेक्ट एंड दीज आर ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन द प्राइमल प्रॉब्लम कह रहा है आप क्या कर दें सिंपली कह दें यही जो वैल्यूज हैं ये प्राइमल प्रॉब्लम की रिजल्ट है प्राइमल प्रॉब्लम में हमें क्या फाइंड करना है देखें वो कंपनी यही चाहेगी ना कि हम कितने चेयर बनाए कितनी प्लेट बनाए कितने मग बनाए ठीक है ना वो यही कहेगी ना जहाँ वो कहेगी कितनी कैपेसिटी यूज़ करें एयर मिनिमाइज़ मिनिमाइज़ मतलब वो कहेगी हम खर्चा कम से कम करें और हम मटेरियल ज्यादा से ज्यादा बनाए वो पूछना चाह रहा है कितनी कैपेसिटी हम सीमेंट यूज करें कितनी कैपेसिटी हम ब्रिक्स यूज करें कितनी कैपेसिटी हम मार्बल यूज करें एक घर बनाने में हमें जो टास्क दी गई है कि हमें फायदा ज्यादा से ज्यादा हो ठीक है तो हमने क्या कहा कि भाई फिर आपको एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री चाहिए तो हमने कहा ड्यूल से आप निकाल सकते हैं जो आपके इनिशियल टेबल में बेसिक वेरिएबल हैं, ठीक है एस वन एस टू एंड एस थ्री इनकी जो फाइनल टेबल में कॉफिशेंट है ऑब्जेक्टिव रो में वही एक्स वन और एक्स टू और एक्स थ्री है ठीक है देखें इनिशियल में एस वन एस टू एस थ्री इसके जो ऑप्टीमल टेबल में कॉफिशेंट होंगे वही देखें ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज द सेम वैल्यू इन बोथ प्राइमल एंडल प्रॉब्लम आप चेक करें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यहाँ पे भी ट्वेंटी वन है यहाँ पे भी ट्वेंटी वन है प्राइम आपने ये भी देखा कि प्राइमल और ड्यूल का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी सेम है और आप एक का सॉल्यूशन निकाल के दूसरे का भी सॉल्यूशन बता सकते हैं ठीक है दिस इज योर एग्जाम्पल जो आज हमने किया रिगार्डिंग टॉपिक दैट वाज ड्यूलिटी सबसे पहले हमने कन्वर्ट किया ड्यूल बनाया उस ड्यूल को क्या किया इनिशियल टेबल में ट्रांसफॉर्म किया नेगेटिव नंबर है ऑब्जेक्टिव रो में फिर हमने वाई टू को एंटर करवाया तो किसी एक को लीव करना था एस टू को लीव करवाया तो इसके नीचे और ऊपर क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे ठीक है इधर वाई टू पर दीजिए भी जीरो 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 तो हमने देखा ऑब्जेक्टिव रो नेगेटिव है माइनस टू ये आपका बेस मेंटर करेगा कहा ये है। next topic है क्योंकि हमारा ऑप्टीमल्प्लेक्स मेथड तो बेसिकली सिंप्लेक्स मेथड में क्या होता है सोल्यूशन आपका क्या होता है इनिशियल जो ये इक्वेशन है ना आप देखें एस वन भी पॉजिटिव है एस टू भी एस थ्री भी इसका मकसद है दिस इज योर फिजिबल क्योंकि एक्स आपके जो आप यही करते हैं ना ये तो देखें एक्स 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 पॉजिटिव है ठीक है यहां पर भी वाई वन वाई टू पॉजिटिव है और जो आपने वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा है ये भी पॉजिटिव है तो इसका मकसद है ये फिजिबल है ठीक है फिजिबल है तो मसला क्या है मसला ये है कि ऑप्टीमल नहीं है वाई बिकॉज इसकी ऑब्जेक्टिव रो में क्या है नेगेटिव नंबर है और हमारा एम क्या होता है अब हम ऑप्टिमल की तरफ जाते हैं फॉर इंस्टेंट अगर कोई आपको कहता कि ये मिनिमाइज है ठीक है ये सब्जेक्ट टू कंडीशन है वो ये कहता कि आप इसको ड्यूल सिंप्लेक्स लगाए क्या लगाए ड्यूल सिंप्लेक्स ड्यूल सिंप्लेक्स में आप क्या करते हैं करते है। आपके पास जो लगता है वो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल कांस्टेंट पे लगता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका मिनिमाइज हो उस पर लगता है कन, इसके कन्वर्स है सिंप्लेक्स के अपोजिटेड ड्यूल ठीक है तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट वेरिएबल माइनस टाइम सप्लाई करके इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पर कहते हैं सरप्लस तो यहाँ पे माइनस एस आता माइनस एस आता सही है ना भले आप इसको क्या करें कन्वर्ट करें वही बात है भले आप माइनस में मल्टीप्लाई करें और मिनिमाइज को मैक्सिमाइज़ कर दें ठीक है एक मिसाल है स्टिल देयर विल बी व्हाट देयर विल बी इनफिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल होता है मजे की बात क्या होता है ड्यूल सिंप्लेक्स जब आप करेंगे जो आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो रो होती है वो ऑप्टीमल होती है क्योंकि ऑप्टीमल आप किसे कहते हैं ऑप्टिमल आप कहते हैं जो जेड इक्वेशन के ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है जेड इक्वेशन जो है उसके कोफिशियंट क्या होने चाहिए कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए अगर कोई आपको कोई कोई नेगेटिव नहीं है लेकिन आपके पास जो इनिशियल सॉल्यूशन है वो फिजिबल नहीं है तो फिर आप क्या करते हैं आप उस इनफिजिबल को फिजिबल बनाते हैं दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंप्लेक्स ड्यूल सिंप्लेक्स सिंप्लेक्स में आप क्या करते हैं जो आपका इनिशियल सॉल्यूशन होता है वो फिजिबल होता है ऑप्टिमल नहीं होता है ड्यूल सिंप्लेक्स क्या होता है इनिशियल सॉल्यूशन ऑप्टिमल होता है इनफिजिबल होता है आप इनफिजिबल को फिजिबल करते हैं सिम्प्लेक्स में आप क्या करते हैं वही सिंप्लेक्स में आपका जो नॉन ऑप्टिमल है उसे ऑप्टिमल करते हैं दैट इज डिफरेंट बिटवीन ड्यूल एंड सिम्प्लेक्स मेथड आई होप दैट टुडे दैट इज फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यूर लेक्चर नेक्स्ट टाइम एंड वी विल स्टडी द टॉपिक दैट इज ड्यूल सिम्प्लेक्स मेथड और आप लोगों के लिए मैंने स्लाइड शेयर की हुई हैं आप इसके स्टेप्स देखें ड्यूल प्रॉब्लम कैसे बनता है द मैन रीजन बिहाइंड द क्रिएटिंग द ड्यूअल प्रॉब्लम रीजन क्या है क्यों क्रिएट करते हैं तो और वाट इज डिफरेंट बिटवीन प्राइमल एंड डी ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए steps for farming the dual problem that is it for today anyone can ask the question related to the today topic thank you very much